देखो दो ही चीज पढ़नी है हमने इसमें, रैंक क्या होती है और नलिटी क्या होती है। इससे पहले हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है नल स्पेस। नल स्पेस भी बोल देते हैं, कर्नल भी बोलते हैं। वैसे ये कर्नल नहीं होता, ये होता है कर्नेल। प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं, कर्नेल। तो वैसे हमारे टीचर्स देखो कर्नल ही बोलते थे, तो अभी तक तो मेरी टंग पे ना कर्नल ही टिका हुआ है, बट कोशिश करते हैं कर्नेल बोलने की। जैसे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ही होती है, उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो हमारे भी टीचर्स ऐसे बोलते थे एल हॉस्पिटल, उसमें एस साइलेंट होता है। तो ये ना धीरे धीरे आ जाते हैं ऐसी चीजें समझ में, बट अभी तो जैसे कि लो में बोलते बोलते तुम्हें पता ही है, एक तो ये कर्नल बोला जाएगा और एक वो एल हॉस्पिटल ही बोला जाता है ज्यादातर बार। तो कोशिश करते हैं जो असली वाली प्रोनाउंसिएशन है उसको सीखने। तो इसको कोई भी कर्नल नहीं बोलेगा, दैट इज कर्नल। कर्नल तुम्हें पता है ना कहाँ होते हैं, तो अपने मैथ में कर्नल नहीं है, मैथ में कर्नल। तो हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी पहली बात तो उसका हमें कर्नल निकालना है, या फिर नल स्पेस भी बोल सकते। तो पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन ले लो यू से वी, विच इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, करना है। तो वो क्या होगा, एक ऐसा सेट, सपोज आपने एक सेट लिया, मान लो मैंने मान लिया उसको के, ठीक है। तो इस सेट में हमें यू के वो एलिमेंट्स लेने हैं, यू बिलोंग्स टू यू, सच दैट कि टी ऑफ यू क्या आ जाए, जीरो। ये आपने ग्रुप में भी पढ़ा होगा, है ना। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इमेज जीरो, जीरो का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बी आ जाए। जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, जीरो का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बी। तो हमें क्या देखना है, ऐसे यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं तो मुझे बी की आइडेंटिटी मिल जाए। उन सारे यू के एलिमेंट्स के कलेक्शन को बोला जाएगा कर्नेल ऑफ बी, ट्रांसफॉर्मेशन टी का करना है, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। वैसे मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि जीरो की इमेज हमेशा जीरो होती है इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, याद है ना सभी को, चैट बॉक्स में लिख दो सभी। जीरो की इमेज जीरो होती है तो ऑलवेज जीरो तो अपना कर्नेल में बिलोंग करेगा। जैसे अगर हम इस सेट को के ले रहे हैं ना, तो जीरो की इमेज तो जीरो आएगी। तो हमेशा आपका कभी भी जो कर्नेल होगा या जो नल स्पेस होगा वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। डायग्राम से देख लो सभी, अगर ये आपने यू लिया और ये आपने वी लिया, तो इधर हमने कुछ एलिमेंट्स ऐसे देखने हैं जो कि इस एलिमेंट पे मैप करे जीरो। तो मैंने एक चीज तो बताई थी आपको कि जीरो की इमेज हमेशा ही जीरो आती है इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एलिमेंट तो पक्का ही किस पे चला गया, कर्नेल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्नेल विल नॉट इक्वल टू 5, एक एलिमेंट तो आपको हमेशा ही मिलेगा। फिर जो बाकी वाले एलिमेंट्स हैं वो फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दी गई है। अब जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने ऐसी ली थी, याद होगी आपको, x1 x2 x3 is equal to x1 minus x2, x2 minus x3, और x3 minus x2। याद है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने दिखाई थी, दिस इज नॉट 1 1, यस और नो? देखो सभी, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था कि ये 1 1 नहीं है, है ना। काफी सारे एलिमेंट्स थे जिनकी इमेज सेम आ रही। तो अभी ध्यान से देखना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जीरो की इमेज जीरो आती। आप यहाँ पर x1, x2, x3 की जगह 0, 0, 0 पुट करके देखो, आपको 0, 0, 0 मिल रहा है, है ना। तो ये वाला एलिमेंट अपना किसमें चला गया, कर्नेल में। तो हमारा एक ये एलिमेंट मिल गया, दिस बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ T। और एलिमेंट मुझे ऐसे बताओ जो यहाँ पर जीरो आंसर दे दे आपको। अगर आपने ऐसे ले लिया 1 1, x1 वैल्यू 1, x2 की भी और x3 की, फिर भी देखो 1 में से 1 गया 0, फिर 0 और फिर 0,
इसका मतलब इस एलिमेंट की इमेज भी तो जीरो आ रही है ना, तो ये एलिमेंट भी कर्नल में गया है, दिस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू कर्नल। सिमिलरली आपको पता है हम कैसे जाएंगे, टू 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 भी, इसकी भी इमेज क्या आएगी, जीरो 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 है ना, थ्री 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 भी, कितने ही बना सकते हो, इनफाइनाइट है, तो नेगेटिव भी ले सकते हो आप, माइनस वन माइनस वन माइनस, इन सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे किसमें बिलोंग कर गए, कर्नल, ठीक है। तो आपका जो कर्नल है वो किस तरह से आएगा, अगर मुझे लिखना हो कर्नल ऑफ पी इज इक्वल टू एक्स 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 टाइप का, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल। सभी को एग्जांपल से क्लियर हुआ ना कि हम कर्नल बोलते किसको है, ये कोई जरूरी नहीं है कि कर्नल में एक ही एलिमेंट आएगा, बट एक जरूर आएगा, जीरो तो अपने को मिल ही गया, जीरो के अलावा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इज इट क्लियर टू एवरीवन, डेफिनेशन सभी को क्लियर है, हम इसकी एक दो थ्योरम करते हैं फिर आगे मूव करें। वेरी गुड, चलो। अब मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि कर्नल आपका जीरो के अलावा और कोई एलिमेंट हो भी सकता है नहीं भी, जैसे इस वाले ये ट्रांसफॉर्मेशन ली तो आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल गए जिनकी एलिमेंट जिनकी इमेज आपको जीरो मिल गई है ना। तो अभी इसी के बेस पे थ्योरम है, नोटेशन देख लो, एक तो ऐसे लिख देता है, नोटेशन भी थोड़ी सी ध्यान रखने चाहिए, या तो ऐसे लिख देगा कर्नल ऑफ पी या फिर एनटी, एनटी का मतलब नल स्पेस हो, ऐसे भी लिख सकते। अब उसने एक थ्योरम कही है कि टी इज वन वन इफ एंड ओनली इफ नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, वी हैव टू प्रूव दिस, या फिर कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि कर्नल ऑफ टी में ना सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, कौन सा, जीरो, ऐसे लिखा गया ना, ऐसे सिंगलटन सेट आएगा सिर्फ, क्योंकि जीरो की इमेज तो जीरो है ही। अब हमें दिखाना है कि जीरो के अलावा और कोई सा एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज जीरो आए, तो इफ एंड ओनली इफ में है। तो पहले आप मान लो टी इज वन वन, तो हमें दिखाना है कि नलिटी ऑफ टी सॉरी नल स्पेस ऑफ टी शुड इक्वल टू सिंगलटन जीरो। चलो हमने मान लिया कि कोई एक एलिमेंट है जो कि नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करता है, अगर वो इस सेट के अंदर है तो ऑब्वियसली इसकी जो इमेज होगी वो जीरो होगी ना, टी ऑफ यू क्या आएगा, जीरो। हमें ये दिखाना है कि यू की वैल्यू जीरो ही होनी चाहिए, जीरो के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें यही दिखाना है कि नलिटी ऑफ टी में सिर्फ जीरो ही आएगा। तो ये जो यू लिया है ना नलिटी ऑफ टी में, हमें दिखाना है कि ये जीरो ही है और कुछ नहीं है, जीरो का आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया था जीरो की इमेज भी जीरो होती है। अब ये बताओ जब टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो है और टी अपना वन वन है, तो वन वन का मतलब क्या होता है, अगर इमेज इक्वल है तो इनवर्स इमेज भी इक्वल होगी, ये इंप्लाई करता है ना, बिकॉज टी इज वन वन है ना, जब वन वन होता है तभी ऐसा लिख सकते हैं, इफ टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो देन यू इज इक्वल टू जीरो, यही डेफिनेशन होती है ना अपनी वन वन की, हम इमेज इज इक्वल लेके चलते हैं और इनवर्स इमेज इक्वल दिखा देते हैं, छोटा सा ही प्रूफ है इसका। yes, हमने क्या देखा, तो कोई भी अगर एलिमेंट लोगे आप नलिटी ऑफ टी से, हमने दिखा दिया वो एलिमेंट और कुछ नहीं है, जीरो ही है। अब सेकंड इसका कन्वर्स पार्ट करते, कन्वर्स पार्ट में क्या है, अगर नलिटी ऑफ टी में सिर्फ जीरो है, वी हैव टू शो दैट कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी दैट विल बी वन। हमें वन वन दिखाना पड़ता है, तो वन वन दिखाने के लिए आपको पता ही आप क्या करोगे, ये लेके चलोगे और ये दिखाना है ना, चलो ठीक है।
इसको इधर लिया माइनस का हो जाएगा, फिर क्योंकि टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना सभी का, इस एलिमेंट की इमेज जीरो आ रही है तो ये एलिमेंट अपना नलिटी ऑफ टी पे चला गया ना, क्योंकि जिस भी एलिमेंट की इमेज जीरो आएगी वही तो हमारे नल स्पेस में जा रहा है, यस और नो? ध्यान से देखो, बिल्कुल जो यू माइनस वी है इसके ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, मुझे जीरो मिल रहा है, दैट मींस दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू नलिटी ऑफ टी। बट हम लेके क्या चल रहे हैं, नलिटी ऑफ टी में तो सिर्फ जीरो है, हम तो ये लेके चल रहे हैं कि नलिटी ऑफ टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब दिस एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। जब उसके अंदर एक ही एलिमेंट है और ये एलिमेंट भी उसके अंदर आ रहा है, दैट मींस दिस इक्वल टू दैट एलिमेंट, तो ये जीरो के इक्वल होगा, तो यू इज इक्वल टू बी आ गया। तो इमेज इक्वल लेके चले थे, इनवर्स इमेज इक्वल दिखा दी, तो वन वन हो, आसान है बिल्कुल। तो इतना पता चल गया अपने को, अगर देखो आपने दिखा दिया कि कर्नेल ऑफ टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ऑलवेज जो आपकी मैपिंग होगी वो वन वन होगी, और अगर मैपिंग वन वन दिखाने में सक्सेसफुल हो गए आप, क्योंकि वन वन मैपिंग हमने दिखाना ना अपनी सेकंड एक्सरसाइज में सीख लिया है ना, जो फोर्थ चैप्टर था उसके सेकंड एक्सरसाइज में हमने वन वन ऑन टू चेक करना सीख लिया है, तो अगर मैं वन वन दिखा दूं तो मुझे कर्नेल ऑफ टी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वन वन हो गया तो बाय हमने अभी थ्योरम कर ली तो कर्नेल ऑफ टी में सिर्फ जीरो ही जाएगा, जीरो के अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी इमेज जीरो आ रही हो, ठीक है? तो ये सभी ने याद रख। और ये देखो अभी नेक्स्ट है, मैम बुक वालों ने तो डायरेक्ट लिख दिया इसको यू वन माइनस यू टू इक्वल्स टू जीरो, क्या लिख दिया डायरेक्ट? जैसे आपने एक्सप्लेन किया है ना, ये u1 minus u2 equals to 0 है, कैसे हुआ? हाँ. u1 से belong, nt equals to 0 दे रखा है और nt, nt तो के अंदर 0। हाँ, तुम तो रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम उसके अकॉर्डिंग लिख देना, है ना? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, बुक में चाहे कुछ भी लिखा हो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तो मैम हद होती है इतनी बदतमीजी की, क्या हद होते हो तमीजी की भी? नहीं, बुक वाले सब इन्होंने लिखे, हाँ इन्होंने बोला है कि T is a LT, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, बट उसे नेक्स्ट स्टेप में इनको लिखना चाहिए था कि नलिटी ऑफ T हम जीरो लेके चल रहे हैं, दैट्स व्हाई U माइनस V इज इक्वल टू जीरो, ये स्टेप उन्होंने मिस कर दिया। तो मैं वही कहती हूँ कि आपको ना यहाँ पे जो हम ये कर रहे हैं ना मैथ, साइड में जितने ज्यादा रीजंस लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, बेशक से छोटी क्यों, सभी ने ध्यान देना है। हम लिख लिया। तो क्या कि आपने थ्योरम म्यूट कर लोगी, कर्नेल ऑफ टी इज द सबस्पेस ऑफ यू, वी हैव टू प्रूव कि जो कर्नेल ऑफ टी है सबस्पेस, तो सबस्पेस दिखाने के लिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का काम। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या दिखाते थे, अगर कोई दो एलिमेंट ए बी, मान लो यू कर्नेल ऑफ टी में है, बी कर्नेल ऑफ टी में है, तो ए यू प्लस बी वी भी अगर कर्नेल ऑफ टी में चला गया देन इट विल बी सबस्पेस। यही करते हैं हम, दो एलिमेंट लेके चल लो कर्नेल ऑफ टी से, एंड वी हैव टू शो दैट कि ये भी हमारा कर्नेल ऑफ टी में जाएगा, है ना? तो ये सबस्पेस हो जाएगा। तो चलो देखो, यू कर्नेल ऑफ टी में है इसका मतलब क्या हुआ, टी ऑफ यू जीरो है, बी भी कर्नेल ऑफ टी में है इसका मतलब बी की इमेज भी जीरो आएगी, इन दो का यूज करना है। अब इसको दिखाना है, दिस इज बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ टी, तो इसका मतलब मुझे ये दिखाना पड़ेगा, है ना? अगर इस एलिमेंट की इमेज भी जीरो आ जाती है तो ये कर्नेल ऑफ टी में चला गया,
तो अब हम यही दिखाने वाले हैं। चलो, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करो ट्रांसफॉर्मेशन की, देन उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करो। मैम हाँ आवाज सुनाई दे रही है, बस सभी बताओ भाई, सभी को आवाज नहीं सुनाई। तुम्हारे में नेटवर्क में प्रॉब्लम है।